स्टूडेंट्स, पेज नंबर आपका जो 9 है, इसमें एक प्रोनाउंसिएशन जंक्शन जंक्शन दे रखा है। वहाँ पे आपको एक लीजन नाम का टॉपिक दे रखा है, ठीक है। लीजन आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो ये पीडीएफ में मैंने आपको सेंड तो किया है। इसकी डेफिनेशन और जितने आपको एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं वो सब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन लीजन होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय द लीजन, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं कि लीजन क्या चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। आई एम नॉट गोइंग टू द क्वारल विद यू, सेड वालोद्य गिविंग मी टू द स्लाइट पुश। गो अवे, ठीक है, गो अवे, डोंट पुश, ये अपन ने पढ़ा। अब ये जो होते हैं डोंट अवे, इन अबव कन्वर्सेशन द फ्रेज गो अवे एंड डोंट पुश आर स्पोकन रैपिडली। जैसे अपन ये जो डोंट अवे, ऐसे फटाफट डोंट अवे ऐसे पढ़ते हैं, या डोंट पुश गो अवे ऐसे चली, ऐसे तरीके से अपन जो फटाफट फटाफट चीज़ें पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ शब्द होते हैं जिनका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ठीक है। जैसे आइसक्रीम, ये हम शुरू से स्पेलिंग पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके अंदर एक छुपा हुआ डी होता है, ठीक है, आइस्ड क्रीम होता है वो, लेकिन हम डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि एलिजन है तो इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन हम डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं क्योंकि ये एलिजन है। अब आगे और पढ़ते हैं। इन रैपिड स्पीच नॉट ऑल लेटर आर प्रोनाउंस्ड, इन अ केस द वोवेल साउंड मेड बाय द लेटर गो अवे एंड साउंड मेड बाय द लेटर टी इन डोंट पुश आर नॉट प्रोनाउंस्ड, ठीक है। तो ये जैसे इसके अंदर अपना बताया गया है कि गो अवे है ना, अपन तो गो अवे ऐसा बोलते हैं, पूरा बोलते हैं, लेकिन रैपिडली अगर इसको बोले तो ऐसा बोलते हैं गो अवे। तो ए का जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये अपन बोलते हैं डोंट पुश है ना, पूरा प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका अगर रैपिडली तेजी से अपन प्रोनाउंस करें तो ऐसे बोलेंगे डोंट पुश। टी का जो है वो बहुत कम प्रोनाउंस होता है या होता ही नहीं है, डोंट पुश ऐसे। तो ये जो टी है ये क्या है, इलिजन है एक टाइप का, है ना। अब अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाइल प्रोनाउंसिंग अ वर्ड और अ फ्रेज ड्यूरिंग रैपिड स्पीच, या तो एक वर्ड होता है या पूरा फटाफट फ्रेज होता है, तो जब तेजी से बोलते हैं, रैपिडली बोलते हैं, तो इफ अ वोवल और अ कॉन्सोनेंट साउंड इज लेफ्ट अनप्रोनाउंस्ड, कुछ ऐसा वोवल होता है या फिर कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो उनको अनप्रोनाउंस, जिनका उच्चारण नहीं होता, टू मेक द प्रोनाउंसिएशन ईजियर, प्रोनाउंसिएशन को ईजियर बनाने के लिए हम उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं, तो इट इज नॉन एलिजन। क्या बोलते हैं इनको, एलिजन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, तो फैक्ट, अब यहाँ पे अपन फैक्ट बोलते हैं, लेकिन ये फैक्ट फैक्ट द फैक्ट दैट है ना, ये टी जो है ये एलिजन है। एवरीवन स्टॉप टॉकिंग, अब ये डी जो है यहाँ पे ये छुपा हुआ है ना, स्टॉप बोलेंगे, स्टॉप डू नहीं बोलेंगे, स्टॉप टॉकिंग। अब यहाँ पे देखते हैं लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी, ये ए जो है ए का प्रोनाउंसिएशन एकदम से नहीं करते, अपन तेजी से बोलते लाइब्रेरी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया है, पूरे पूरे एग्जाम्पल दे दिए हैं। नेक्स्ट ये टेबल मैंने आपको टिक करके दिए, ऐसे करके इनको आपको लिखना है। जैसे यहाँ देखते हैं वॉन्ट टू, अब ये अपन ऐसे बोलते हैं वॉन्ट टू है ना। अब अगर अपन एलिजन के तौर पे इसको बोलें तो इसको बोलेंगे वॉन्ट टू, ये टी को अपन छोड़ देंगे, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे बोलेंगे आइसक्रीम, अपन बोलते हैं आइसक्रीम, लेकिन अगर एलिजन के तौर पे इसको बोलें तो ये डी छुपा हुआ है इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे आइसक्रीम, ये डी को छोड़ देंगे, आइसक्रीम, ठीक है। नेक्स्ट अपन है विंड स्क्रीन, लेकिन एलिजन के तौर पे बोलेंगे तो इसको बोलेंगे विंड स्क्रीन, ड को छोड़ देंगे डी को, ठीक है, ये विंड स्क्रीन है लेकिन इसको छोड़ देंगे विंड स्क्रीन, ऐसे रैपिडली बोलना है अपने को। फिर ये है डेस्कटॉप, अपन डेस्कटॉप बोलते हैं, ये क का यूज करते हैं अपन, लेकिन अगर अपन इसको एलिजन के तौर पर करेंगे तो इसको बोलेंगे डेस्कटॉप, ठीक है। ये टी का, ये जो के है इसका यूज हम
नहीं करेंगे। तो इसको एलिजन बोलते हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है।